हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी रेड्स के बारे में। ये कार है मारुति सुजुकी रेड्स पेट्रोल वर्जन। इस कार में जो इंजन है वो है पेट्रोल इंजन, और बेसिकली जो प्रॉब्लम इस कार के अंदर है उसी प्रॉब्लम के ऊपर ऑलरेडी मैं एक कार की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लिए। यानी कि वो इंजन और ये इंजन सेम था, और इस कार में जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है वो भी सेम ही रहने वाला है। तो इस कार में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक्सेलेटर की, यानी कि एक्सेलेटर ये कार कभी कभी नहीं लेती है, मैक्सिमम 1500-2000 आरपीएम से ऊपर नहीं जाती। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है इस कार में, और अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, खोलेंगे हम इस कार का इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, और जो फोल्ड कोड है वो फोल्ड कोड मैं आपको इस वीडियो में शो करा रहा हूँ कि क्या क्या फोल्ड कोड जनरेट होते हैं जिस टाइम पे वो प्रॉब्लम आती है। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको एक बार कार को चेक कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी हम इसमें एक्सेलेरेटर को फुल प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, मैं बार बार एक्सेलेरेटर फुल प्रेस किया हुआ है, लेकिन इसकी जो आरपीएम है मैक्सिमम 1500 आरपीएम से ऊपर नहीं जा रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ चेक लाइट है वो ऑन है यहाँ पर, और अभी हम एक बार इसको डायग्नोस करके भी चेक करते हैं। तो ये देखिए, फुल एक्सेलेरेटर प्रेस करने के बाद भी 1500 आरपीएम से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो करते हैं एक बार इसको डायग्नोस। तो ओल्ड मॉड्यूल में हम इस कार को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो स्कैन टूल यूज मैं कर रहा हूँ वो है लॉन्च रिट्स इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, हमें सेलेक्ट करना है पेट्रोल इंजन रीड फोल्ड कोड। तो थ्रॉटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच वी सर्किट इनपुट लो। तो बेसिकली ये फोल्ड कोड जब आता है, जब भी ईसीएम में प्रॉब्लम आती है, और यही फोल्ड कोड जनरेट होता है, और उसके बाद ही ये चेक लाइट ऑन होती है। तो इस तरीके से ये फोल्ड कोड है, जो कि यह है P0222P2135। ओके, ये इसके DTC नंबर है। इस तरीके से इसमें फोल्ड कोड है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो उससे पहले अभी हम एक्सेलेरेटर पेडल की जो वायरिंग वगैरह है उसको भी हमने पहले चेक कर लिया है। ज़्यादातर इन केसों में प्रॉब्लम जो आती है वो ECM से ही आती है, एक्सेलेरेटर पेडल से नहीं आती है। यहाँ से बिल्कुल ओके है। ये देखिए 1500 आरपीएम तक जा रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। और ये देखिए, हम एक्सेलेरेटर को फुली प्रेस कर किया हुआ है, और एक्सेलेरेटर वायरिंग भी यहाँ से बिल्कुल ओके है, और एक्सेलेरेटर पेडल भी बिल्कुल ठीक है, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। तो इस तरीके से ये देखिए, एक्सेलेरेटर पेडल है, इसको प्रेस कर रहे हैं, लेकिन इंजन जो है आरपीएम हाई नहीं कर रहा। चेक करते हैं इस कार में क्या प्रॉब्लम है, खोलते हैं बोनट। तो इस तरफ ये कार है पेट्रोल इंजन, और यहाँ पर ये है इसका फिटिंग इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, यानी कि ECU, और इसको हमें खोलना होता है दो बोल्ट से। यानी कि यहाँ पर ये 10mm के दो बोल्ट लगे होते हैं, इन दोनों बोल्टों को खोल करके हम यहाँ से इसके दोनों बोल्टों को हटा करके इसकी ECM को खोल देते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है एक कार के लिए, यानी कि मारुति में जो पेट्रोल इंजन होता है। तो अभी हमने इसको रिपेयर कर दिया, और रिपेयर करने के बाद इसको फिटिंग कर रहे हैं, और ये किस तरीके से रिपेयर हुआ था और कैसे हमने रिपेयर कराया था, कहाँ से कराया था, वो सारी डिटेल हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो फ़ोन नंबर वगैरह है, लोकेशन है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो प्रॉब्लम आती है ECM ख़राब होने की, वो आती है इस टर्मिनल की वजह से, बैटरी टर्मिनल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जो कार का ECM है वो रिपेयर हो चुका है। तो एक बार कार को स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो कार स्टार्ट हो गई है, चेक इंजन लाइट ऑन है, ओके। और जो आरपीएम है ये सामने आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार एक्सेलेरेटर करते हैं, तो एक्सेलेरेटर एकदम परफेक्टली जा रहा है 5000 आरपीएम तक, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो आरपीएम थे बिल्कुल ऑल ओके, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, कैसे भी कहीं की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो चेक इंजन लाइट ऑन है इसको भी हम ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर हमने कार को डायग्नोस कर रखा है, तो जो फोल्ड कोड थे इस तरीके से थे, और जैसे ही हम यहाँ से क्लियर DTC करते हैं, इधर मैं जैसे यस करूँगा तो आप देख सकते हैं DTC क्लियर करने के बाद जो चेक इंजन लाइट है वो ऑफ हो चुकी है, ट्रबल कोड एकदम सक्सेसफुल अरेंज हो चुका है। ओके, रीड फोल्ड कोड दोबारा चेक करते हैं, तो बिल्कुल ओके है, नो फोल्ड कोड। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम थी इस कार के अंदर वो थी, अब बिल्कुल ओके है, कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो
जैसा कि फ्रेंड्स इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो हमने आपको वीडियो में शो कराई थी। इस कार में ECM की प्रॉब्लम थी और हमने ECM रिपेयर करने के बाद में इसमें दोबारा से रीफिटिंग किया हुआ है, और जो किस तरीके से हमने रिपेयर किया हुआ है वो पूरा जो वीडियो है फुल वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उस वीडियो पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम थी इसके ECM में और किस तरीके से हमने कहाँ से वो ECM हमने इसमें रिपेयर कराया हुआ है। वो सारा नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल हमने उसमें दी हुई है पूरी वीडियो में, आप पूरी उस फुल वीडियो को वॉच कीजिए। और इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम थी यानी कि इस कार में जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने आपको इस वीडियो में शो की हुई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए मनीष कार टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।